गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट टीवी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, इन लास्ट क्लास वी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 2। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 3, एंड अवर चैप्टर नेम इज REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन, INN, ANIMALS, एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए, री मतलब होता है दोबारा, प्रोडक्शन मतलब होता है उत्पन्न करना, मतलब दोबारा उसी तरह से उत्पन्न करना। एनिमल्स मीन पता है सभी को, जीव जंतु। तो उसी प्रकार में हमारे चैप्टर का नाम हुआ एनिमल्स, मतलब जीव जंतुओं में दोबारा उसी ही उत्पन्न करना। ओके, सो वी विल रीड अवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। HUMAN ह्यूमन, BEINGS बींग्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर द लिविंग थिंग्स। ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है, बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन मूव, दे कैन टॉक। ओके, प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। उसी प्रकार प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है, बट दे कैन नॉट मूव। दे हैव टू टेक ऑन बर्थ, ग्रो एंड डाई ऑन द अर्थ। और उसी प्रकार जिस प्रकार एक ह्यूमन बींग्स अर्थ पर बर्थ लेता है, जन्म लेता है और मृत्यु होती है उसी की, उसी प्रकार प्लांट भी क्या करते हैं, अपने छोटे से बीज से एक बड़ा प्लांट ग्रो करते हैं और कुछ साल बाद जब वो प्लांट मर जाता है तो इस प्रकार ये प्रोसेस चलती रहती है। टू कंटिन्यू द लाइफ ऑन द अर्थ, और ये प्रोसेस कंटिन्यू अर्थ पर चलती रहती है। दे गिव बर्थ ऑफ देयर ऑन चिल्ड्रन, उसी प्रकार ये अपने जैसे और चिल्ड्रन को जन्म देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस चैप्टर के अंदर आज अब यही पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या क्या हैं। ओके, सो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज रिप्रोडक्शन। हमसे यहाँ पूछा गया है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन क्या है। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई, जैसे कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ग्रो होते हैं, वृद्धि करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। टू कंटिन्यू लाइफ ऑन द अर्थ, तो ये जो प्रोसेस है अर्थ पर कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। न्यू इंडिविजुअल आर बोर्न, ऑल एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू डिफरेंट बैच। उसी प्रकार जो एनिमल्स होते हैं वो दो डिफरेंट अलग अलग तरीके से रिप्रोड्यूस होते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू डेयर यंग वंस, वेयर इज सम ले एग्स। कुछ कुछ होते हैं जो अपने जैसे और एनिमल्स को जैसे कोई बेबी के रूप में जन्म देता है और कोई कोई अंडों के रूप में जन्म देता है। आफ्टर सम टाइम यंग वंस हैच आउट फ्रॉम दिस एग्स, और कुछ समय बाद वो जो भ्रूण होता है, बच्चा होता है, वो अंडे में से बाहर निकल कर एक बड़ा रूप ले लेता है। अब आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, यहाँ नीचे लिखा गया है एनिमल डेट ले एग्स, ऐसे एनिमल जो क्या देते हैं, अंडे देते हैं जिनके, और जैसे रिप्रोड्यूस और जैसे बेबीज बर्थ होते हैं, जैसे बटरफ्लाई, हैन, क्या बोलते हैं, फ्रॉग एंड स्पैरो, ये अपने ये क्या देते हैं, अंडे के थ्रू अपने बेबीज को जन्म देते हैं। एंड नेक्स्ट डे एनिमल डेट गिव बर्थ देयर यंग वंस, और ये क्या होते हैं, जैसे ये हैं उसी प्रकार ये बेबीज को बर्थ देते हैं, जैसे काउ, गोट, डॉग, हॉर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।